भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसकी पूरी जिम्मेदारी सहयोगी जेडीएस पर है और इसलिए जेडीएस को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रज्वल के समर्थन में नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अब इस पर राहुल गांधी ने पूरे प्रकरण को मास रेप की संज्ञा दी है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही हैं और कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे लोगों के साथ मौजूद है जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग ऐसी हरकतें इन्होंने की है, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला, वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, तो कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने सीधा सवाल उठाया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है कि इस पूरे मामले में जांच तो राज्य सरकार को करनी थी, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के मातहत काम करती है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रज्वल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 2023 जून में प्रज्वल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था इन्हीं वीडियो के मामले में। उस समय से अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? तो इसकी जानकारी हमने आपको बताई कि इंतजार इस बात का हो रहा था कि जो जातीय समीकरण है उसे कैसे साधा जाए। कांग्रेस इस बात पर पूरी कोशिश में लगी थी कि वोकलेगा समुदाय का जो वोट बैंक है वो किसी तरीके से घटित ना हो। तो ऐसे में अमित शाह ने किस तरीके से कांग्रेस को घेरा, पहले ये देख लीजिए, फिर अब हम जाति आधार पर आएंगे। अभी हमारा जेडीएस से समाधान है तो रेवन्ना का सीढ़ी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि कोई लेना देना प्रज्वल के साथ नहीं है। अब हम आते हैं कास्ट इक्वेशन पर। प्रज्वल का यह मामला, जब 26 अप्रैल को मतदान हो रहे थे 14 कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर, उस वक्त क्यों नहीं उछाला गया? क्योंकि जो दक्षिण कर्नाटक का इलाका है वहां पर भी जातीय समीकरण बहुत प्रभुत्व रखता है और उत्तर कर्नाटक में भी। कर्नाटक की आबादी तकरीबन 5,30,00,000 के आसपास है। वोकलेगा समाज यहां पर काफी ताकतवर है, 12% के आसपास उनकी आबादी है। और दूसरी बड़ी आबादी है लिंगायत समुदाय की, जिसकी 17% के आसपास आबादी है। ये दो समुदाय अपने आप में काफी वजन रखते हैं कर्नाटक में। प्रज्वल एचडी देवगौड़ा वोकलेगा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के डीके शिवकुमार ये भी वोकलेगा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। ऐसे में वोकलेगा समाज की तरफ से इस मामले को तब उठाया गया जब वहां पर वोटिंग लगभग खत्म हो रही है। अब जो उत्तर कर्नाटक में वोटिंग होनी है, यहां पर लिंगायत समुदाय का बहुत कहीं ज्यादा है।